बोल्ड स्टार पूनम पांडे का निधन। सर्विकल कैंसर से गई एक्ट्रेस की जान। 32 की उम्र में ली आखिरी सांस। सोशल मीडिया पर टीम ने दी एक्ट्रेस की मौत की जानकारी। खबरों पर फैंस को नहीं हो रहा यकीन। जी हाँ, एंटरटेनमेंट की दुनिया से आई एक और शॉकिंग खबर जिसने लोगों को दे दिया है जोर का झटका। पूनम पांडे नहीं रही। 2 फरवरी की सुबह पूनम पांडे ने ली आखिरी सांस। पूनम पांडे की अचानक मौत की खबर ने इंडस्ट्री को शॉक्ड कर दिया है। एक्ट्रेस की मौत की वजह सर्विकल कैंसर बताई जा रही है। इस खबर की पुष्टि उनकी टीम की तरफ से उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी गई। उनकी टीम ने बताया कि सर्विकल कैंसर की वजह से पूनम पांडे का निधन हुआ है। पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा है, ये सुबह हमारे लिए कठिन है। आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमने सर्विकल कैंसर के कारण अपनी प्यारी पूनम को खो दिया है। उनके कॉन्टैक्ट में आने वाला हर इंसान उनसे प्यार से मिला। दुख की इस घड़ी में हम प्राइवेसी की रिक्वेस्ट करेंगे। हम उन्हें हमारे द्वारा शेयर की गई हर बात के लिए प्रेम पूर्वक याद करेंगे। पूनम पांडे का निधन उनके होम टाउन कानपुर में हुआ। हालांकि इस पोस्ट ने सोशल मीडिया की दुनिया को हैरान कर दिया है। ये खबर आग की तरह फैल गई कि पूनम पांडे ने 2 फरवरी को आखिरी सांस ली है। फैंस को इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी तो वो शॉक्ड रह गए। मौत से 3 दिन पहले पूनम ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें पूनम गोवा में हुए एक इवेंट को अटेंड करती हुई नजर आई थी। वीडियो में वो एकदम फिट और फाइन नजर आ रही थी। उनकी वीडियो देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है कि पूरी तरह से स्वस्थ दिखने वाली पूनम इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कह देंगी। फैंस को अब तक भी लग रहा है कि शायद किसी तरह का प्रैंक है, या फिर किसी ने पूनम का अकाउंट हैक कर लिया है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये किसी तरह का प्रमोशनल स्टंट हो। एक फैन ने तो यहाँ तक लिख डाला कि पूनम पांडे जरूर सरकार द्वारा चला रही सर्विकल कैंसर की मुहिम का हिस्सा होगी। शायद लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने इस स्टंट का सहारा लिया होगा। डिजाइनर रोहित वर्मा भी पूनम पांडे की अचानक मौत की खबर से हैरान है। उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए बताया है कि 2 दिन पहले ही मुंबई में उन्होंने पूनम पांडे के साथ शूट किया था। उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा है कि पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं है। पूनम पांडे की लोकप्रियता तब आसमान छू गई जब उन्होंने 2011 क्रिकेट विश्व कप फाइनल से पहले एक वीडियो मैसेज में वादा किया था कि अगर भारत फाइनल मैच जीतता है तो वह कपड़े उतार देंगी। अपने इस दावे के साथ वह पहली बार विवादों में आई थी। वर्क फ्रंट की बात करें तो पूनम पांडे को आखिरी बार कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में देखा गया था। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।